दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज दिल्ली के विच पत्रकार सम्मेलन किया। इस पत्रकार सम्मेलन के विच दोवें मुख्यमंत्रियों ने नॉलेज शेयरिंग MOU ते दस्तखत किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब च भी दिल्ली मॉडल नू ल्याउण दी तैयारी की जा रही है। दिल्ली की सिक्ख्या अते सेहत सहूलतों के चर्चे पूरे देश दे विच हो रहे हैं। इन्हां सहूलतों नू लैके ही अज समझौता किया गया है। हेलो, अभी अभी हम लोगों ने दोनों सरकारों ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। मैं समझता हूँ कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। ये कहना गलत होगा कि केवल हमारी सरकार ने आज तक अच्छा काम किया। अभी तक 75 साल में ऐसे बहुत सारे वाक्ये हैं जब अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देर आर सेवरल आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड डिफरेंट ज्योग्राफीज। लेकिन एक जो कमी रह गई, जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे बड़े स्केल के ऊपर सीख, हमने आपस में काम नहीं किया। हम आपस में राज्यों में बटे रहे, हम आपस में पार्टियों में बटे रहे, हम आपस में एक दूसरे से सीखा नहीं हम लोगों ने। सो वी केप्ट ऑन री इन्वेंटिंग द व्हील। ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दो दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाएं। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे, उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार, उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा। तब क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री मनीष जी, क्रांतिकारी हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के सतेंद्र जैन जी, पंजाब सरकार के न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला जी, एजुकेशन मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेयर, चीफ सेक्रेटरी दोनों स्टेट्स के और जितने भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया सारा पंजाब से, दिल्ली से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी मंच को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबका स्वागत है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसको आप हिंदी में लिखना हो तो ज्ञान का आदान प्रदान, पंजाबी च कहना होवे ता ज्ञान दा तबादला। आपस दे विच सियाने कहिंदे कि चंगी चीज़ जित्थों भी मिले सीख लेनी चाहिए है, हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए है, सीखण लई तैयार। कई बार छोटे बच्चे से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कई बार बुजुर्गों का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। कल हमने मोहल्ला क्लिनिक
स्कूल और हॉस्पिटल देखे, और क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब मैं बिचरता था तो पूरी दुनिया में शोज़ वगैरह करने के लिए जाते थे, तो हमने कनाडा अमेरिका के हॉस्पिटल, उनके स्कूल भी देखे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिल्ली में, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का दिल्ली में देखा गया, इसी लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाके यहाँ से सीख के पंजाब में लागू करना चाहते हैं। पंजाब में 19,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, और 23,00,000 के आसपास बच्चे हैं। यहाँ पर 18,00,000 बच्चे हैं 1,000 से 1,100 स्कूलों में। तो हमारे पास स्कूलों की ज़मीन, पंचायत की ज़मीन, बहुत कुछ पड़ा है। हम बड़े बड़े प्लेग्राउंड बना सकते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स के लिए पहले जाना जाता था, उसके बाद कुछ सरकारों ने ऐसा किया कि पंजाब जो है उसको नज़र लग गई, और पंजाब के हॉस्पिटल जो हैं उनका बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं एमपीलैड से कोरोना के समय वेंटिलेटर देता था, तो वेंटिलेटर हमें किसी बड़े हॉस्पिटल को दान देना पड़ता था, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वेंटिलेटर चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं एसी और वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जी कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, जो एनेस्थीजिया का चाहिए एक, उसके लिए वेंटिलेटर के लिए वेंटिलेटर ऑपरेटर डॉक्टर चाहिए। तो यहाँ आके देखा कैसे 12-12 ऑपरेशन थिएटर्स एक लाइन में, कल राजीव गांधी हॉस्पिटल में हम गए थे, कैसे जनरल वार्ड जो है वो आईसीयू से भी बढ़िया बना रखा है, कोई भी आके वहाँ जो है इलाज करवा सकता है। और किसी हॉस्पिटल से, हम 2-3 हॉस्पिटल में गए थे, मतलब आमतौर पे आप हॉस्पिटल में जाओगे सरकारी हॉस्पिटल में तो दवाई की वो आती है सुगंध, कुछ आपको सरकारी हॉस्पिटल में पंजाब में तो जो एमआरआई मशीनें हैं उनमें कबूतरों के घोंसले भी हैं, नहीं ध्यान दिया गया। ऐसे स्कूल हैं, स्कूलों को बाहर से बहुत चमका दिया गया और लिख दिया गया स्मार्ट स्कूल। बाहर से रंग करने से स्कूल स्मार्ट नहीं बनेगा, अंदर क्या सीख के आ रहे हैं बच्चे, हम इस पे ध्यान देंगे। अमृतसर दे विच कोरोना ने एक बार फिर दस्तक देती है। तुहानू दस दिए कि आज अमृतसर दे विच एक पॉजिटिव केस आया है, अते कुल 12 एक्टिव केस हैं।